तैयार हूं मैं अपने इब्लिस को हासिल करने के लिए। बस अब इस खदार को मेरे नूरे निगाह के जिस्म से बाहर निकालना होगा। खदार हासिल कर ले अपनी मोहब्बत का दिल और बाहर निकल जा मेरे नूरे निगाह के जिस्म से। मुझे लगता है कि बाबा से अभी बात करनी चाहिए, उन्हें बताना ही होगा कि सिमी जान से आया है। के अंदर से निकल रहा है। मेरे नूरे निगाह आ रही हूं मैं, आ रही है आपकी सिमसिम आपको आजाद करने। दिल मुझे दे दो लड़की। अलीफी उठो। अलीफी सबके पास जाओ। ये दिल मुझे दे दे वरना मैं सब खत्म कर दूंगा। किसी अपने से दूर जाने का दर्द क्या होता है ये मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उसी दर्द से गुजर रहे हो। ये दिल तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है ना? मोहब्बत में ऐसा पागलपन दीवानगी नहीं इबादत होती है, और मैं तुम्हारे इश्क की इज्जत करता हूं। इस दिल को लेने के लिए अगर तुम मेरी जान भी ले लोगे तो कोई गम नहीं, क्योंकि मेरी जान जाएगी भी तो प्यार की खातिर। प्यार और दिल की अहमियत समझता हूं मैं, दिल से नहीं दिल के लिए जिंदा हूं मैं। मैं तुझे मौका दे रही हूँ अपनी मोहब्बत को वापस हासिल करने का, वरना मैं चाहूं तो इस दिल को आग में भी डाल सकती हो। इश्क समझता है तू, तेरी आंखों में भी किसी अपने को खोने का दर्द देख सकता हूं मैं। छोटे कोतवाल को मार ना डाले। नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा,
वो है छोटे पर काम बड़े बड़े करते हैं। इस पूरे कायनात में ये बस दिल ही है जो आखिरी निशानी बची है उसकी। मैं उसे तो खो चुका हूं पर उसके दिल को नहीं खो सकता। ये मेरा है, सिर्फ मेरा। मोहब्बत की तड़प सबको होती है, चाहे वो जिन हो या इंसान। मुझे इसकी महबूबा का दिल, इसे लौटा देना चाहिए। इतना भी बेदर्द नहीं हूं। शैतान कम से कम अपने महबूब के दिल की धड़कन तो सुन सकता है, मेरे नसीब में तो वो भी नहीं। मेरे अजीज, मुझे माफ कर देना मेरी महबूबा, मैं तुझे उस शैतान से बचा ना सका। इसने मुझे जिंदगी दी, उससे तेरी जिंदगी ना बचा सका। मुझे माफ कर दे मेरी महबूबा। तुझे तेरी महबूबा जरूर मिलेगी। मोहब्बत की ताकत को कम मत समझना। तू अपनी आंखें बंद कर इस जादुई दुनिया में। एक ऐसी रहस्यमय जादुई दुनिया जहां पहुंचना नामुमकिन है। उस तक पहुंचने से पहले जादुई ताकतें तुम्हें तुम्हारी मंजिल से भटकाने की कोशिश करेंगी, तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। वो एक ऐसी मायावी दुनिया जहां से बच के आना नामुमकिन है। उस जादुई दुनिया में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और वहां कुछ बेशुमार है, तो वो है खतरा। लेकिन तुम घबराओ मत, वो उस जादुई दुनिया में महफूज है। उसे बस एक ही ख्याल परेशान करता है, जादुई दुनिया से उसे छुड़ा ले जाओगे। मैं तो अपनी मोहब्बत को बचा ना सका, तुम अपनी मोहब्बत को बचा लो। पर याद रहे, जादुई दुनिया में सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही सच्ची मोहब्बत को बचा सकती है।
उस जादुई दुनिया में तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है सिमसिम। लोगों की हिफाजत के लिए हम हैं। आप तो हिफाजत की बात ना ही करें तो अच्छा है। सबसे ज्यादा आप ही डरे थे उसे देखकर। हाँ, और खतरा अभी टला नहीं है। अभी वो शैतानी ताकत इब्लिस को यहाँ से लेके गई है, पर इब्लिस वापस जरूर आएगा हम सबसे बदला लेने के लिए, और अपने साथ तबाही लाएगा। और करो इब्लिस की नुमाइश परवाज में। अब वो शैतान हम सबको छोड़ेगा नहीं। क्या वो सच में मर्जीना थी? क्या वो उसकी झलक थी? कहाँ है वो खतरनाक जादुई दुनिया? कैसे पहुंचूंगा मैं वहां तक? कैसे बचाऊंगा मर्जीना को? मेरे सारे सवालों का जवाब अब सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है। सिमसिम। कसम है मुझे मेरी मोहब्बत की, मेरे नूरे ने कहा, जिन हाथों से उस कोतवाल ने आपके जिस्म को जख्मी किया है, उन हाथों को उसके जिस्म से मैं अलग कर दूंगी। जो तकलीफ हुई है मुझे आपकी तौहीन देखकर, उस तकलीफ का हिसाब उस कोतवाल को चुकाना ही पड़ेगा। को मैं वहां से छुड़ा कर यहां ले तो आई हूं, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मेरे नूरे ने कहा, वक्त तेजी से बढ़ रहा है आगे। आगाज़े क़यामत से पहले अगर मैंने आपको दोबारा से जिंदा नहीं किया तो मैं आपको हमेशा के लिए खो दूंगी। मेरे नूरे ने कहा, हमारे आका इब्लिस को दोबारा जिंदा करने के लिए हमें तलिस्मान चाहिए होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने नूरे निगाह को महफूज रखना होगा, और इस बार मैं आपको इस कदर महफूज रखूंगी कि कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। मेरे नूरे निगाह, शैतानी ताकतों से बनी इन सलाखों को ना तो कोई इंसान तोड़ सकता है, ना कोई और शैतान। अब मेरे नूरे निगाह को मेरे अलावा अब कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं। पानी अब सर के ऊपर से गया है, वो शैतान मनुष्य इब्लिस जिंदा हो गया है। अब बदन पर कपड़ा हो ना हो, हाथ में चाकू या खंजर रहना जरूरी है। अब खतरा इतना बढ़ चुका है, न जाने कब कौन कब से सामने आ जाए, पता नहीं चलेगा। पर्ची? छोटे कोतवाल कहाँ है? कुछ काम था। जब वो आए तब आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने कोतवाली में उनकी मेज पर एक चिट्ठी रखी है। शायद ये वही चिट्ठी है जिसके बारे में मुझे अलीफी ने बताया था। सिमी जान ही साया है,
अब समझा कि उस दिन अलफी इतनी घबराई हुई क्यों थी, क्योंकि सिमी जान की सच्चाई वो जानती है। ये बात मुझे भाईजान को बतानी पड़ेगी। उसे बस एक ही ख्याल परेशान करता है कि कब तुम उस जादुई दुनिया से उसे छुड़ा ले जाओगे। मर्जीना जादुई दुनिया में कैद है और उस जादुई दुनिया तक सिर्फ मुझे सिमसिम पहुंचा सकती है, लेकिन अगर सिमसिम को पता चल गया कि मैं ही अली हूं तो अपने दुश्मन की मदद वो कभी नहीं करेगी। मुझे बहुत चलाकी से काम लेना होगा। जंग लड़ी तो शमशीर से जाती है पर जीती दिमाग से। भाईजान! 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 ये चिट्ठी मुझे अलीफी ने आपको देने के लिए कहा था। इसमें लिखा है कि सिमी जान की साया है। ये साया सिमसिम और सिमी जान ये सब एक ही है हसन। सिमसिम साया है, साया ही सिमी जान है, सिमी जान ही सिमसिम है। इसका मतलब इतने दिनों तक शैतानों के मालिक सिमसिम हमारे परवाज में घूम रही थी। आपका शक सही निकला भाईजान। तुम लोग दरवाजे से बाहर जाओ। नहीं, और आप, हम आपके बिना नहीं जाएंगे। तुम सही कह रहे थे हसन, हलीफी को मुझ पर शक हो गया है कि मैं ही उसका बाबा हूं। मेरी हलीफी अकेली उस घर में सिमी जान का सामना कर रही है और जहां तक मैं उसे जानता हूं उसने ये बात किसी को बताई नहीं होगी, क्योंकि वो अपना दर्द किसी और के साथ नहीं बांटेगी सिवाय अपने बाबा के। मेरी गैर मौजूदगी में पूरे घर को संभाले हुए वो हसन। कितनी बड़ी हो गई है ना हलीफी। ऐसा लगता है हसन की जैसे उसको चाहकर जोर से गले लगा लूं और उसे बोलूं कि मुझे उस पर कितना फख्र है और उसे बता सकूं कि उसके बाबा वापस आ गए, उसके अली बाबा वापस आ गए। तो फिर आप पता क्यों नहीं देते भाईजान? और देर मत कीजिए, जाइए, बताइए कि आप जिंदा हो, बताइए कि आप उनके बाबा हो, आप ही उनके अली बाबा हो। आइए भाईजान। नहीं हसन, अभी नहीं। वो सिमसिम अभी भी मेरे घर में ही है और अगर उसे पता चल गया कि अली जिंदा है तो मेरे घर वालों के साथ वो कुछ भी कर सकती है और मैं अपने घर वालों को खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि अलीफी का शक ही रहे। तलवार ने हमारी बहुत मदद की है पर वक्त आ गया है इसके आराम करने का। दुनिया की नजर में एक मामूली कोतवाल इस शमशीर को अपने हाथ में नहीं रख सकता। सही वक्त आने तक हमें इसे किसी महफूज जगह पर रखना होगा। पर अब आगे का भाईजान? अब आगे हम जाएंगे अपने यतीम खाने में। यतीम खाना? और वहां तो वो सिमी जान रहती है। क्योंकि वो मेरा तो मेरे बच्चों का घर है और मेरे बच्चे सिमी जान के साथ वहां अकेले महफूज नहीं है। उनकी हिफाजत के लिए
और मर्जीना तक पहुंचने के लिए सिमी जान का मेरी नजरों के सामने हर एक लम्हा रहना बहुत जरूरी है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.